आज हम लोग पढ़ेंगे लूप। तो जैसे प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, तो अभी तक जितना भी बच्चा लेवल का प्रोग्रामिंग की है, एक सिंपल सा, अगर कोई बोला राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 times, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 times, तो तुम क्या करेगा? तुम क्लास लेगा, ठीक है, क्लास एबीसी ले लिया, स्टैटिक वर्ड मेन लेगा, ठीक है, फिर तुम क्या करेगा? तुम क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10 बार लिखेगा? मानो नाम डॉन है, डॉन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर डॉन लिख रहा, ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तुम्हारा माथा तो पगला थोड़ी हो गया भाई, इतना बार थोड़ी ना प्रिंट करेगा। सो इसका, इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही फॉर लूप आया है। फॉर लूप है, वाइल लूप होता है, ठीक है, डू वाइल लूप होता है, बट पहले हमको ये तो समझना होगा ना लूप का काम क्या है। अब अगर कोई बोल दिया चलो 10 times, तो तुम गया, तुमसे आना बनने के लिए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ले, 10 बार कर भी दिया, तुमको पूरा नंबर मिल गया। तुमको अगर टीचर बोल देता 100 बार प्रिंट करो, तब तुम क्या करता? अब पागल तो है नहीं, पेपर में 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ही हम लोग का आया है लूप। तो अब लूप का काम समझते हैं, लूप का काम क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे देखना, ठीक है, जैसे लिखते हैं, जैसे फॉर, सबसे पहले फॉर लूप समझते हैं। फॉर आई इक्वल टू वन, हम लोग देखते हैं अब फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप सीखते हैं, फिर वाइल लूप सीखेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, और इसके अंदर हम कर दिए मानो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, डॉन लिखती है। अब देखना क्या होगा, ठीक है, और ऊपर वो सब लिखा हुआ है, ठीक है भाई, वो सब हम चलो लिख दे रहे हैं। स्टैटिक ठीक है, ये तो हर प्रोग्राम में रहता ही है, पता है, जो काम का चीज है उससे बात कर लेते हैं। अब देखो ये प्रोग्राम रन कैसे होगा, देखते हैं, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे इंट आई लिख देना, रुको। देखते हैं, ठीक है। ऊपर हम लोग एक वेरिएबल भी ले लिए इंट आई, खत्म। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो इसको मिटा दे रहे, इसका जरूरत है नहीं अभी के लिए, ठीक है, इसको हटाओ। यहां से देखो प्रोग्राम ऊपर से आया, ठीक है, जो हम लोग का लाइन होता है वो हम लोग का रन होते होते आया, जैसे स्टैटिक वर्ड मेन मेन फंक्शन में गया, इंट आई डिक्लेयर हुआ, उसका बाद प्रोग्राम यहां पे एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे क्या आई इक्वल टू वन, तो सबसे पहले था आई इक्वल टू वन, फिर यहां से यहां गया। देखो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, देखो यहां पे लिख दे रहे, फॉर का 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, उसका बाद होता है कंडीशन, और उसका बाद होता है अपडेशन, ठीक है। कोई भी लूप का 3 चीज होता है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, और तीसरा होता है अपडेशन। इन तीनों चीज के बिना लूप अधूरा है, समझ लो, नहीं भी ऐसा जरूरी नहीं होता है, मतलब अभी तो बेसिक कर रहे हैं, तो समझ लो ये तीनों चीज तो हो गई, ऐसा समझ लो। तो काम कैसे करता है देखना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन से प्रोग्राम फॉर लूप, जो भी कोई लूप होता है वो चालू हुआ, मानो हम लोग फॉर लूप पर है, फॉर लूप का देखते हैं, इनिशियलाइजेशन से चालू हुआ, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का मेमोरी है वहां पे क्या आया, आई इक्वल टू वन, फिर यहां से यहां गया, किसके पास गया, कंडीशन के पास, क्या है, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है। अब आई खुद कितना है, 1, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ, देखते जाओ, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये अंदर आ जाएगा, ट्रू हुआ तो अंदर आ जाएगा, बट अगर यहां पे ही फॉल्स हो गया,
मानो यहां पे ही फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हुआ तो सीधा लूप का बाहर, मतलब लूप का बाहर मतलब यहां पे प्रोग्राम का एंड लूप का बाहर। देखो एक फॉर का जैसे यहां पे ब्रेसेस बना रहे, इसको बोलते स्कोप। स्कोप मतलब क्या हुआ, जितना भी स्टेटमेंट्स है वो फॉर लूप, अगर फॉर का कंडीशन सच हुआ, ट्रू हुआ, तो वो अंदर जाएगा और अंदर का लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गया, अंदर ही नहीं जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा, तो पूरा लूप का बाहर आ जाएगा, लूप का अंदर जाएगा ही नहीं। सो समझ आया? तो स्कोप क्या है, स्कोप मतलब बोलते ना, जैसे मानो कोई डॉन है, तो डॉन का एक एरिया होता है ना, जैसे कोई डॉन है तो उसका मानो एरिया वन है, तो वो लोकल पारा डॉन है, कोई उससे बड़ा डॉन है तो वो उसका अंडर में आता है, तो ये इससे भी बड़ा पावरफुल डॉन है, समझ गया ना? तो सब हर डॉन का अपना एरिया होता है, कोई यहाँ का एरिया है, कोई वहां का डॉन है, कोई यहाँ का डॉन है, हर जगह का डॉन थोड़ी हो सकता है। तो फॉर लूप का अपना एरिया है, तो जब ये ट्रू हुआ तब अंदर गया, अब अंदर में क्या होगा वो देखना है, ठीक है? देखो सबसे पहले आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, तो आई खुद कितना है, वन। क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है? ट्रू। अंदर गया, अंदर गया क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉन। तो एक बार हम लोग का डॉन आउटपुट प्रिंट हो गया, फिर यहां से प्रोग्राम, देखो यहां से प्रोग्राम ये लाइन को रन किया, फिर प्रोग्राम आया यहां पे, यहां पे फॉर लूप एंड हो रहा है, फॉर लूप का क्या एंड हो रहा है, बट यहां से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये यहां से कहां जाएगा, अपडेशन के पास। तो इस यहां से कहां गया, यहां से सीधा गया आई प्लस प्लस के पास, ये कौन सा पार्ट है, अपडेशन, समझ आ रहा है? यहां से यहां आया, अब हुआ आई प्लस प्लस, आई कितना बन गया, टू। आई प्लस प्लस मतलब पता है ना भाई, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन ही होता है, तो आई अब कितना बन गया, टू। अब फिर इसके बाद फिर यहां से कहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। तो देखो हम तुम लोग को ऐसे तो तुम लोग भूल जाएगा, तो देखो कैसे काम किया, सबसे पहले वन हुआ, फिर ये टू हुआ, तो फॉल्स हुआ तो बाहर ही चल गया, छोड़ दो अभी का ट्रू मान ले, तो थ्री हुआ, थ्री से ये लाइन हुआ, फिर ये हुआ फोर, और फोर से पूरा घूम के ये आया फिफ्थ। अब ध्यान से देखना फिफ्थ, अब फिफ्थ में वापस क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू हुआ तो वापस अंदर जाएगा, मतलब थ्री फोर और फाइव देखो ऐसे रिपीट होते जा रहा है, थ्री फोर और फाइव, जब ट्रू हो रहा है तब, फॉल्स होगा तो लूप का बाहर हो जाएगा, लॉजिक समझ आ रहा है? तो आई इक्वल टू टू हुआ, क्या टू लेस देन इक्वल टू फाइव है, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या आई लेस देन इक्वल टू फाइव है, मतलब आई खुद कितना है, टू। क्या टू लेस देन इक्वल टू फाइव है, ट्रू है ये भी, ट्रू। तो लूप का अंदर गया, लूप का अंदर गया, लूप का अंदर गया, वापस क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉन, तो वापस एक बार डॉन प्रिंट हो गया, ठीक है? फिर देखो फिर आई फिर यहां से यहां आया, फिर फोर रिपीट हुआ, वापस कहां गया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हुआ तो आई बना थ्री, ठीक है? फिर क्या, फिर यहां से आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस से फिर आई लेस देन इक्वल टू फाइव, क्या आई लेस देन इक्वल टू फाइव है, मतलब क्या थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव है, ट्रू। वापस लूप का अंदर गया, लूप का अंदर गया, वापस क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉन, तो एक बार वापस डॉन प्रिंट हो गया, फिर यहां से फिर यहां पे गया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई बना फोर, क्या फोर लेस देन इक्वल टू फाइव है, क्या आई लेस देन इक्वल टू फाइव है, मतलब क्या फोर लेस देन इक्वल टू फाइव है, ट्रू। अंदर गया फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉन, वापस डॉन प्रिंट हो गया, फिर यहां से यहां गया, देखते जाओ आई प्लस प्लस हुआ, आई बना फाइव, क्या आई लेस देन इक्वल टू फाइव है, इसका मतलब क्या फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव है, ट्रू। हाँ भाई फाइव तो लेस देन इक्वल टू फाइव होता है। अंदर गया, अंदर जाके फिर एक बार प्रिंट हुआ, तो एक बार और डॉन प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर यहां पे आई प्लस प्लस आया, आई बना कितना सिक्स, बट क्या सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव है, फॉल्स। यहां पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही यहां पे कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या ये अंदर जाएगा, क्या ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, नहीं, कंडीशन फॉल्स, सीधा फॉर लूप का बाहर, मतलब कहां पे आ गया प्रोग्राम, सीधा कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ गया, कर्ली ब्रेसेस के बाहर। और यहां पे तुम्हारा स्टैटिक वर्ड मेन का क्लोजिंग है, और यहां पे हम लोग का क्लास का क्लोजिंग क्लोजिंग है, तो प्रोग्राम हो गया हम लोग का खत्म। खोपड़ी में गया मेरा भाई, जो बोल रहे समझ आ रहा है? देखो हम एकदम रन करके दिखा दिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो छोड़ो, ठीक है? तो जो हम लोग फॉर लूप पढ़े, तो फॉर लूप में एक्चुअल में देखा जाए तो हुआ क्या, देखो
तो फॉर लूप का अगर सिंटैक्स लिखा जाए तो फॉर लूप का क्या होता है, यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे होता है कंडीशन, कंडीशन सेमी कोलन होता है, और यहाँ पे होता है अपडेशन, और ये होता है जो लाइंस टू बी रिपीटेड, ठीक है, ध्यान से समझो, लाइंस टू बी रिपीटेड इसका मतलब क्या हुआ, इटरेशन का मतलब होता क्या है, इटरेशन मतलब होता क्या, इटरेशन मतलब कोई चीज को रिपीट करना, क्या कोई चीज को रिपीट करना, ठीक है ना, इटरेशन मतलब क्या, कोई चीज को रिपीट करना। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि एक लाइन 100 बार अगर नाम प्रिंट करने बोल दिए 100 बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग चालाकी किए, हम लोग एक बार एक चीज बना दिए, एक मशीन बना दिए, वो मशीन में हम लोग एक बार एक चीज डाल दिए, उसका बाद वो जैसे देखो समझो, जैसे ये जो देखो हम लोग जो चीज 100 बार लिखना पड़ता वो क्या किया, एक बार बस हम लोग को लिखना है यहाँ पे, और ये तब तक काम करेगा जैसे ही मतलब हम कंडीशन लगा दिए आई लेस देन इक्वल टू 100, जब तक 100 रहेगा काम करेगा, यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू 1, यहाँ लिख दिया आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन डॉन लिख दिए, तो डॉन मेरा कितना बार प्रिंट होगा, 100 बार, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ सीधा लूप का बाहर आ जाएगा प्रोग्राम खत्म। तो फॉर लूप हम लोग का क्या हेल्प करता है, कोई लाइन को अगर रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स उसमें हेल्प करता है। अब एक और चीज देखो, तो अगर इसको तुम लोग अपना स्कूल का किताब जैसा देखना चाहते हो देख लो, सब फालतू चीज है देखने का माने देख लो कैसे होगा, तो मतलब देखो, तो यहां पे मानो कंडीशन है, यहां पे क्या है कंडीशन, तो कंडीशन अगर ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर गया, अंदर गया लाइंस है, इधर क्या है लाइंस टू बी रिपीटेड, हाँ यहां पे क्या है लाइंस टू बी रिपीटेड, उसका बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अपडेशन, क्या आएगा अपडेशन, फिर अपडेशन आएगा, अपडेशन था ना जो आई प्लस प्लस था, अपडेशन के बाद सीधा फिर वापस कहा जाएगा फिर कंडीशन, बट अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर, बट अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ सीधा लूप का बाहर, कहां पे लूप का बाहर या आउटसाइड लूप, क्या आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ लूप आ गया, समझ आ रहा लॉजिक, यही है तुम्हारा, तो बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इजी है समझना। अब जैसे जैसे फॉर लूप है वैसा व्हाइल लूप भी है, देखो व्हाइल लूप में कुछ नहीं, अगर तुमको फॉर लूप आता है तो तुमको व्हाइल लूप आता है, जैसे व्हाइल लूप में क्या करते हैं, यही सेम प्रोग्राम कैसे करते हैं, देखो व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉन कर दिए, और यहां पे कर दिए आई प्लस प्लस, ठीक है, और वाई लूप के ऊपर कर दिया आई इक्वल टू 1। अब देखो सेम चीज हो रहा है, सेम चीज, सबसे पहले कहां आया इनिशियलाइजेशन, डबल स्लैश डाल दिए इनिशियलाइजेशन हुआ, सबसे पहले हुआ इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आया कंडीशन, अब कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो भीतर जाएगा, बट कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ सीधा लूप का बाहर, सीधा लूप का बाहर, ये क्या है लूप का स्कोप है, स्कोप मतलब अभी बताए एरिया जहां तक काम करता है वो, कोई भी लाइन जहां तक पावरफुल रहता है उसको स्कोप बोलते हैं, समझ आया, फॉल्स हुआ लूप का बाहर। अब एक चीज समझो, तो इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, अरे जो हम लिखे थे वही है भाई, सबसे पहले आई इक्वल टू 1 हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, ट्रू है, अंदर गया, अंदर जाके प्रिंट हो गया, क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन डॉन, तो डॉन प्रिंट हो गया, बट इसके बाद एक और लाइन है, उसका बाद क्या हुआ आई प्लस प्लस, मतलब आई कितना बन गया 2 बन गया, फिर प्रोग्राम यहाँ पे आया, बट यहाँ से क्या बाहर, फिर एक बार डॉन प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर आई प्लस, डॉन प्रिंट होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई कितना बन गया 3, फिर यहाँ से कहाँ गया, फिर कंडीशन, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, अंदर गया, अंदर जाके फिर एक और बार डॉन प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया आई प्लस प्लस, फिर आई बना 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, ट्रू, अंदर गया प्रिंट किया, एक और बार प्रिंट हुआ, ठीक है, एक और बार प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन गया 5,
फिर कंडीशन के पास गया तो क्या आई लेस देन इक्वल टू फाइव है, इसका मतलब क्या फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव है, ट्रू। अंदर गया एक और बार डॉन प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई के देखो आई कितना बन गया सिक्स, फिर कंडीशन के पास गया आई लेस देन इक्वल टू फाइव, बट क्या सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव होता है, नहीं होता है, क्या हो गया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ सीधा लूप का बाहर, यहां पे आ गया सीधा लूप का बाहर, तो प्रोग्राम खत्म। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप अलग है क्या भाई? देखो व्हाइल लूप और फॉर लूप कुछ नहीं है, फॉर लूप का एक लाइन में सब कुछ था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। क्या क्या था देखो, फॉर लूप का क्या क्या था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, तीनों एक ही जगह पे था। बट व्हाइल लूप का वही अलग अलग जगह पे है। यहां सब व्हाइल लूप का बाहर हुआ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन व्हाइल के अंदर खुद कंडीशन ब्रैकेट के अंदर लग गया व्हाइल का, और अपडेशन व्हाइल के स्कोप में हो गया। देखो यहां पे क्या हो गया अपडेशन, लॉजिक समझ आ रहा सबको क्या बोल रहा है? तो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। अगर कोई बोलता है व्हाइल लूप इजी होता है, फॉर लूप इजी होता है, उसका बात पे विश्वास करने का जरूरत नहीं है। बट व्हाइल लूप का कुछ कुछ प्रोग्राम में एडवांटेज हो जाता है, मानते हैं, ठीक है ना? तो वो सब अपन लोग बाद में देख लेंगे, बट दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। तो व्हाइल लूप का अगर कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? देखो तो व्हाइल का यहां पे हो गया तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, यहां पे हो गया इनिशियलाइजेशन, यहां पे हो गया कंडीशन, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया लाइंस टू बी रिपीटेड, यहां हो गया लाइंस टू बी रिपीटेड, और इसके नीचे जस्ट एग्जैक्ट क्या आ गया अपडेशन आ गया, बस हो गया। सो व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों समझ आ गया आप लोग को, ठीक है? तो अब उन लोग इसका जो प्रोग्राम है बाद में किया जाएगा, ठीक है भाई? चलो।